Hey, what's up guys? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome back to your channel. तो आज हम सीखेंगे PS Photoshop में background कैसे erase करना है and आपकी जो hairs है कैसे erase करना है. So start करते वीडियो को and अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So without wasting any time, let's get started. सो हम आ गए हैं PS Photoshop में एंड इसका लिंक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो. मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है. सो मैंने ऑलरेडी अपना जो पिक है इसमें इंपोर्ट कर दिया है. सो ये वाला पिक है, इसको हम यूज़ कर सकते हो. आप चाहो तो अपनी कोई भी फोटो चूज कर सकते हो इसके अंदर. सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हेड्स हैं यहाँ पे दिख नहीं रहे. अगर हम पिक्सार्ट में इरेज करते तो अच्छे से इरेज नहीं हो पाते हमसे. सो हम यूज़ करेंगे PS Photoshop एंड स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टूल्स दिखा दूँ. यहाँ पे आपको दिख रहा है मैजिक बैंड बना हुआ है, इसको आपको हटाना है यहाँ से एंड आपको सिंपली होल्ड करके नीचे ड्रैग करना है अपने फिंगर को. एंड यहाँ पे स्क्रिबल सिलेक्शन टूल सबसे बेस्ट टूल है अगर बैकग्राउंड को अच्छे से यूज़ करना है तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा. सो कुछ तरह से स्टार्ट करना है. सो अब क्या करेंगे हम सिंपली आप जो यहाँ पर कीप पर क्लिक करेंगे पहले तो एंड कुछ इस तरह से ग्रीन लाइन हमारे जो अपने अंदर इनर पार्ट है जो हमको रखना है वो पार्ट पे हम ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से. एंड अब हमको रिमूव पे क्लिक करना है एंड बाहर जो आउटलाइन है आपको सिंपली ऐसे रफली एक बार ड्रॉ कर देना है. डन, इतना पार्ट हो गया. अपना आदमी अपने AI फीचर से आपका जो बैकग्राउंड इरेज कर लेगा. सो देखते हैं कुछ इस तरह से अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है, ये हो गया. एंड अब क्या करना है आपको यहाँ पे जो भी आपको पार्ट रखना है वहाँ पे सिंपली आप कीप जूम करके कीप कर देना है यहाँ पे एंड अपने AI से सिलेक्ट कर लेगा. सो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो तक आपको बोर ना हो. कुछ इस तरह से आपको जिस तरह से करना है आपको जूम करना है फिर कीप के क्लिक करना है एंड पर इसे आपको अपना बैकग्राउंड एडजस्ट करना है. एंड हेयर्स के लिए आपको दिखाऊंगा कैसे इसको रिफाइनेंस को हम यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे सब डन कर दिया. सो कुछ इस तरह से मैंने अपने जो पूरा कटआउट है जो मेरा पिक है मैंने आराम से सिलेक्ट कर लिया पूरा एकदम अच्छे से. इसमें टाइम थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको जूम करके आप करोगे तो आपको एक एक पार्ट जो आपका एकदम परफेक्टली इरेज होगा. सो मैंने सब कुछ तो कर लिया. अब आती है बारी यहाँ पे हमारे जो भी हेयर्स है मेनली जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे हम करें इसके अंदर वो बताऊंगा मैं आपको. जो रिफाइन एज टूल है उसको कैसे यूज़ करना है सो बताता हूँ कैसे करना है. तो आपको सिंपली यहाँ पर टूल दिख रहा होगा, यहाँ पे जो सेटिंग वाला बना हुआ है यहाँ पे ऊपर यहाँ पे टूल दिख रहा होगा इसमें एक स्क्वायर बना हुआ है रेक्टेंगल बना हुआ है सॉरी. सो आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है ना आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे रिफाइन एज का तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है. ओके यहाँ पे क्लिक करने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे. तो यहाँ पे साइज का ऑप्शन आ गया ओके एंड फिर यहाँ पे आपको ब्रश का आ गया इरेज का आ गया. तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ब्रश एकदम जो अपना बैकग्राउंड है उस पर लेंगे एंड अगर आपकी पिक जो हेयर्स हैं वो अगर वाइट मतलब स्काई की तरफ या फिर वाइट बैकग्राउंड की तरफ हो तो आपके हेयर्स ज़्यादा परफेक्टली मतलब अच्छे से इरेज होंगे, इजीली इरेज हो जाएंगे. सो ट्राई करना कि आपके जो हेयर्स हैं एकदम मतलब स्काई की तरफ हो या फिर वाइट बैकग्राउंड के पीछे हो. सो इसके मतलब वाइट आपके हेयर्स के पीछे वाइट बैकग्राउंड. तो आपको कुछ हमको लिए पहले बैकग्राउंड पर हल्का सा इरेज करना है देन आपके हेयर्स के ऊपर हमको रफली इसको कुछ इस तरह से मूव कर देना है. तो आपने अपने अपने ये फीचर्स अपना भी इरेज कर लेगा. सो आप देख सकते हो हमारे हेयर्स में जो रेड एक्स्ट्रा आ गया है. तो हम क्या करेंगे सिंपली इरेज पे क्लिक करेंगे एंड कुछ इस तरह से जो हमको पार्ट नहीं चाहिए जो रेड आया वो नहीं चाहिए उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे ब्रश कर देंगे. ओके सब अपने यहाँ पे आराम से सिलेक्ट कर लेगा एकदम अच्छे से सिलेक्ट कर लेगा. सो मेरे कुछ है ऐसे कुछ इसी तरह मेरे मतलब सिलेक्ट होंगे कि मेरे जो पीछे बैकग्राउंड में बहुत डार्क है तो मैं इसमें क्या बोलते हैं कैच नहीं कर पा रहा ये. सो कुछ इसी तरह एकदम मेरे एरिया इसमें हेयर्स में ऐसे इरेज होंगे. बाकी जो मेरी पिक्स होती है उन सब में मैं मतलब एकदम अच्छे से हेयर्स इरेज हो जाते हैं. सो कुछ इस तरह से मेरे यहाँ पे सिलेक्ट होगी एकदम अच्छे से. एंड अब क्या करना है हमको सिंपली यहाँ पे अगेन उसी चीज़ पर क्लिक करना है. आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा लास्ट थर्ड ऑप्शन फेदर्स का, इस पर क्लिक करना है. आपको जो फेदर्स दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे ऊपर दिख गया होगा पहले से आपको कि जो हमारे बॉडी के जो बाहर है कटआउट के बाहर एकदम मतलब
हार्डनेस जो एकदम कम हो गई है, तो आपको उसको हार्डनेस को हल्का सा रखना है, मतलब 1 या 2 रखना है मैक्स टू मैक्स, एंड यहाँ पे सिंपली इसको डन कर देना है। ये करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जाना है यहाँ पे ब्रश का जो टूल दिख रहा होगा आपका, यहाँ पे ये पेन बना हुआ है, एंड आपको लास्ट जो पॉइंट दिख रहा है, लास्ट सेकेंड पॉइंट एक्सट्रैक्ट, उस पर क्लिक कर देना है। सो आपकी जो कटआउट एकदम इजीली एकदम कट हो जाएगा। ओके, सो कुछ इस तरह से ये कट हुआ है, एंड बस आपके जो हेयर्स हैं आपको यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे इसको जो स्क्वायर का ऑप्शन पे जाना है, एंड सेकंड ऑप्शन डी सेलेक्ट पे क्लिक कर देना, आपको जो लाइंस वगैरह भी नहीं आएगी। सो मैंने जैसे आपको कहा था कि मेरे हेयर्स जो है इसमें अच्छे से इरेज नहीं हुए होंगे, बिकॉज थोड़ी लाइटनिंग वगैरह का एडजस्टमेंट था, इसमें प्रॉब्लम इशू था, इसलिए इसमें अच्छे से इरेज नहीं हुए होंगे। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से हेयर्स जो आपको एकदम इरेज हो जाएंगे आपके विदाउट एनी इशू, एंड आपको कुछ इस तरह से अपने हेयर जो है इरेज करने हैं। सो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, अगर पूरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड चैनल पर नहीं अभी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।